morning, everyone. Next, हमारा सॉरी लास्ट लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मैथ्स पढ़ा था क्लास टू का मैथ्स हम लोगों ने पढ़ा था और एक्सरसाइज टू पढ़ा था और मैंने आपको होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आप लोगों को करना था और नेक्स्ट इस क्लास में आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ तो आई होप आप लोगों ने होमवर्क कर रखा होगा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी होमवर्क करने में तो नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 4 से मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को आई होप कि कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है राइट द कंसेक्यूटिव नंबर बैकवर्ड्स कंसेक्यूटिव नंबर्स बैकवर्ड कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार आने वाली संख्या और बैकवर्ड मतलब आप लोगों ने फॉरवर्ड और बैकवर्ड अपने प्रीवियस क्लास में जरूर पढ़ा होगा तो पीछे वाली संख्या जो होती है उसको लिखना होता है तो बैकवर्ड में क्या करते हैं हम लोग जैसे कि 5190 है ठीक है तो इसको अगर इसका हम लोग बैकवर्ड काउंटिंग करने जाएंगे तो हम लोग क्या करते हैं कि 1 माइनस करके चलते हैं तो 5190 का अगर हम लोग बैकवर्ड काउंटिंग्स लिखेंगे तो फर्स्ट 5189 नेक्स्ट 5188 नेक्स्ट 5187 नेक्स्ट 5186 Next 5185, next 5184, 5183, 5182 and 5181. तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया 5190 से बैकवर्ड काउंटिंग हम लोगों को लिखना था लगातार आने वाली संख्या को लिखना था आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 का आगे और भी जो क्वेश्चंस हैं बी सी डी सब आप लोग कर लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी नेक्स्ट नंबर 5 भी सेम ही क्वेश्चन है राइट 10 कंसेक्यूटिव नंबर्स बैकवर्ड स्टार्टिंग विद 2706 तो उसके हम लोगों को 10 बैकवर्ड्स डिजिट को लिखने हैं तो आप लोग इजीली इस क्वेश्चन को समझ करके नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है राइट इन फिगर्स ओके तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 5748 ये नंबर नेम लिखा हुआ है इसको हम लोगों को डिजिट में लिखना होता है तो सबसे पहले हम लोग ये मेंशन करेंगे कि 1000 के प्लेस पे 1000 के साथ कौन सा डिजिट है तो 5 नेक्स्ट ये देखना है 100 के साथ कौन सा डिजिट है 100 के साथ कौन सा डिजिट मेंशन है तो 7 लिखा हुआ है नंबर नेम लिखा हुआ है 7 मतलब 100 के प्लेस पे क्या है 7 नेक्स्ट 48 तो इस तरह हम लोगों ने नंबर नेम को सॉल्व किया हुआ है तो दिया गया नंबर नेम है उसको हम लोगों को समझ के लिखना है डिजिट में तो इस तरह हम लोगों ने लिखा 5748 इट मींस कि 1 के प्लेस पे 8 है 10 के प्लेस पे 4 है और 100 के प्लेस पे 7 है और 1000 के प्लेस पे 5 है तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी 6 का ही है ई नंबर 7800 तो आइए देखते हैं 1000 के साथ कौन सा डिजिट मेंशन किया गया है कौन सा नंबर लिखा हुआ है तो 7 तो हम लोगों ने लिख दिया 7 नेक्स्ट है 7000 के साथ 1000 के प्लेस पे 7 है हम लोगों ने 1000 के प्लेस को मेंशन किया है नेक्स्ट है 100 के साथ कौन सा डिजिट मेंशन किया गया है या कौन सा नंबर नेम लिखा गया है तो 8 है ठीक है तो अब हम जानते हैं कि 1000 के बाद 100 100 के बाद 10s और 10s के बाद 1s का प्लेस होता है जो कि यहां वो प्लस का डिजिट मेंशन नहीं है तो उसकी जगह पे हम लोग 0 मेंशन कर देने से हमारा डिजिट क्या होता है वो कंप्लीट हो जाता है तो इस तरह हम लोगों ने लिखा है 7800 ठीक है तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन भी उसी तरह से है 3006 तो 1000 के साथ कौन सा नंबर लिखा हुआ है तो 3 और 1000 के बाद जैसा कि हम जानते हैं कि 100 और 10 का प्लेस होता है लेकिन यहाँ वो मेंशन नहीं किया गया है तो उस प्लेस को मेंशन करने के लिए कंप्लीट करने के लिए हम लोग यहाँ क्या डालेंगे तो 0 डाल देंगे ठीक है तो ओनली 1000 का डिजिट मेंशन है तो 3 हम लोगों ने लिखा और उसके बाद ना ही 100 का डिजिट मेंशन है ना ही 10 का डिजिट मेंशन है तो नेक्स्ट है 3000
3006, तो 6 जो है वंस के प्लेस, वंस का प्लेस ही मेंशन है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ लिखना है 6. तो हमारा डिजिट तैयार है 3006. और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6004. तो 6004 को से उसी तरह हम लोग लिखेंगे, सिमिलरली 1000 के प्लेस पे 6, उसके बाद ना ही 100 का प्लेस मेंशन है और ना ही 10 का प्लेस मेंशन है, तो दोनों के प्लेस पे हम लोग यहाँ 0 पुट करेंगे और नेक्स्ट है 4. ठीक है, इस तरह हम लोगों का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है. और क्वेश्चन नंबर 6 हमें और कुछ क्वेश्चन है जो आप लोगों को सॉल्व करने हैं इसी तरह. ठीक है, और नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि पहले से डिजिट मेंशन है उसको हम लोगों को नंबर नेम में लिखना है. तो जिस तरह हम लोगों ने इसको समझा है ठीक उसी तरह इसको भी समझ के हम लोगों को लिखना है. तो जैसे कि हम देख रहे हैं वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड. तो थाउजेंड के प्लेस पे क्या है वन, तो हम लोगों ने लिखा 1000. हंड्रेड के प्लेस पे क्या है टू, तो हम लोगों ने लिखा 200. और टेंस के प्लेस पे लिखा हुआ है 3, तो हम लोगों ने 3 और 4, तो 3 और 4 को हम लोगों ने लिखा है एक साथ 34. तो इस तरह हम लोगों ने नंबर नेम भी क्वेश्चन नंबर 7 का भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है. इस तरह और भी आगे आपको क्वेश्चन है वो आप लोगों को सॉल्व करने हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे. जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ मैंने लिखा है व्हाट इज द नंबर, तो नंबर यहाँ हमें दिया गया है उसे समझकर हम लोगों को लिखना है. तो 3500, 110 एंड 6 वंस को हम लोगों को समझ के लिखना है. सबसे पहले 1000 के प्लेस पे कौन सा डिजिट मेंशन है, तो 3. 100 के प्लेस पे कौन सा डिजिट मेंशन है, तो 5. और 10 के प्लेस पे कौन सा डिजिट मेंशन है, तो 1. और 1 के प्लेस पे कौन सा डिजिट मेंशन है, तो 6. इस तरह हम लोगों ने कौन सा डिजिट तैयार किया है, 3516. तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया और क्वेश्चन नंबर 8 के और जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है. इसे फिल करने के लिए बोला जा रहा है, तो इस बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो इसको हम लोग फिर से पढ़ रहे हैं. ये पॉइंट आप लोगों को याद करने के लिए मैंने दिया हुआ था. तो 10, टेंस इक्वल्स टू होता है 100. सब लोग ध्यान से देखेंगे, 10 टेंस इक्वल्स टू 100, 100 टेंस इक्वल्स टू 1000 एंड 10 हंड्रेड्स इक्वल टू ऑल्सो 1000. तो सब लोग इस वाले पॉइंट को सब लोग याद रखेंगे, जो कि आप लोगों को आगे बहुत हेल्प होगा. इस वाले पॉइंट से बहुत आप लोगों को हेल्प मिलेगी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है. क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोगों को पैटर्न देख करके फिर उसको फिल करना है. तो हमारा क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान से देखेंगे.
देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन है 4,400, 4,500, 4,600. It means कि इसमें 100 सब डिजिट में ऐड होता जा रहा है, जस्ट लाइक 4,400 में 100 ऐड हुआ तो 4,500, 4,500 में 100 ऐड हो जा रहा तो 4,600. इसी तरह 4,600 में अगर हम लोग 100 ऐड कर दे रहे हैं तो 4,700, next 4,800, next 4,900 में अगर हम लोग 100 ऐड कर दे रहे हैं तो 5,000, टोटल 5,000, नेक्स्ट 5,100, नेक्स्ट 5,200, नेक्स्ट 5,300. तो इस तरह हम लोगों ने पैटर्न देख करके नेक्स्ट के जितने भी डिजिट हम लोगों को ब्लॉक में, जितना भी ब्लॉक दिया हुआ है उसमें फिल करने हैं, तो देख करके हम लोग फिल कर सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 10 का ये नंबर मैंने आपको सॉल्व करके दे रखा है, आप लोगों को समझा रखा है, तो नेक्स्ट 10 नंबर भी आप लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं. अब नेक्स्ट 100 के प्लेस पे 5 है तो 500,
फोर है तो फोर टेंस एंड वंस के प्लेस पे एट है तो एट वंस, ठीक है। और अगर इसको दूसरी तरीके से भी लिखना चाहे तो सब लोग यहां देखेंगे 2000 इट मीन्स नेक्स्ट 500 प्लस 500 प्लस 4 टेंस इट मीन्स 40 प्लस 8 वंस इट मीन्स 8। तो इस तरह हम लोगों ने देखा 2548 का एक्सपेंडेड फॉर्म भी हम लोगों ने देख लिया। तो इसमें से अगर हम लोगों को ये पूछा जाए कि 2548 में 2 का प्लेस वैल्यू क्या है, जैसा कि हम देख रहे हैं 2 कौन सा प्लेस पे 1000 के प्लेस पे, तो 2 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 2000, 5 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 500, 4 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 40 एंड 8 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 81। आप लोग इस तरह क्लियरली देख सकते हैं वंस टेंस हंड्रेड एंड थाउजेंड, वंस के प्लेस पे एट, टेंस के प्लेस पे फोर, हंड्रेड के प्लेस पे फाइव एंड थाउजेंड के प्लेस पे टू। इस तरह आप लोगों ने प्लेस वैल्यू समझ लिया है फोर डिजिट नंबर का, ठीक है। तो फोर डिजिट नंबर का प्लेस वैल्यू भी समझ लिया, एक्सपेंडेड फॉर्म भी समझ लिया। नेक्स्ट हमारा है कंपेयर करना, तो हम लोग कंपेयर करना सीखेंगे। नेक्स्ट हम लोग कंपेयर करना सीखते हैं, जस्ट लाइक 4 2 1 0 2 8 7 6। तो जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे पास फोर डिजिट नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 4210 एंड 2876। तो इसके थाउजेंड को प्लेस को हम लोग फर्स्ट टाइम फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, थाउजेंड के प्लेस को मेंशन करेंगे। तो थाउजेंड के प्लेस पे इधर फोर है और 2876 के थाउजेंड के प्लेस पर टू है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि फोर इज ग्रेटर देन टू, इट मीन्स कि 4210 इज ग्रेटर देन 2876। इस तरह हम लोगों ने कंपेयर करना भी सीख लिया। नेक्स्ट आज का होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 4 टू 17 एंड एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। थैंक यू।